क्या बिग बॉस 13 आपको याद है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि किन कंटेस्टेंट्स की वजह से आपको ये शो याद है, तो आप किसका नाम लेंगे? आई थिंक सिद्धार्थ शहनाज, आसिम रियाज और हिमांशी, राइट? दीज आर द टू फेमस कपल्स जिन्हें ना हम आज तक भूले हैं और ना ही आगे कभी भी भूल पाएंगे, राइट? लेकिन अभी हिमांशी और आसिम को लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि उनके फैंस के लिए जाहिर सी बात है काफी शॉकिंग है और निराशाजनक है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी खबर। बिग बॉस 13 फेम कपल हिमांशी खुराना और साथ ही आसिम रियाज का रिश्ता टूट गया है। इस बात का खुलासा खुद अदाकारा ने सोशल मीडिया के जरिए किया। बिग बॉस 13 में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीतने वाले इस स्टार कपल की राहें अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं। अदाकारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अदाकारा हिमांशी खुराना ने इस पोस्ट को दो बार शेयर किया। पहले अदाकारा ने सिर्फ आसिम रियाज से अपने रिश्ते के डीएन की जानकारी फैंस को दी, लेकिन बाद में अदाकारा ने ये ट्वीट सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस, सिंगर और साथ ही मॉडल ने इसके कुछ ही देर बाद इस पोस्ट को ठीक कर दोबारा पोस्ट किया। इसमें अदाकारा ने बताया कि दोनों का रिश्ता धार्मिक मान्यताओं की वजह से खत्म हुआ है। अदाकारा ने इस पोस्ट में लिखा, हाँ हम अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं। वो सारा वक्त जो हमने एक साथ बिताया काफी अच्छा रहा, लेकिन अब हमारा साथ खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हमारे रिश्ते का सफर अच्छा रहा और हम अब अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपने अपने धर्मों के लिए दिल में पूरी इज्जत के साथ हम अपने प्यार का त्याग अलग अलग धर्म की वजह से कर रहे हैं। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि हमारी निष्ठा का सम्मान करें। बॉलीवुड में हिमांशी खुराना के इस ट्वीट ने काफी खलबली मचा दी है। इससे पहले अदाकारा हिमांशी खुराना ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट में लिखा था, हाँ मैं और आसिम अब साथ नहीं हैं। वो वक्त जो हमने साथ गुजारा बेहद अच्छा रहा, लेकिन अब हमारा सफर खत्म होने की कगार पर आ गया है। हमारे रिश्ते का सफर अच्छा रहा और हम अपनी जिंदगी में अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपसे निष्ठा का सम्मान करने की अपील करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। इस दौरान ही दोनों सितारे एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच प्यार बिग बॉस 13 के पूरे होने के बाद भी जारी रहा, जहां इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छाने लगती थी। यही वजह थी कि अक्सर दोनों की शादी को लेकर कयास लगते रहते थे, मगर अब ब्रेकअप के ऐलान ने फैंस को हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बात का ऐलान सिर्फ हिमांशी खुराना ने किया है। इस पर अभी तक आसिम रियाज का कोई भी बयान या रिएक्शन सामने नहीं आया है। खुद आसिम रियाज ने भी इस बात की जानकारी अपने फैंस को नहीं दी है। ऐसे में इन दोनों सितारों के फैंस का भी दिल टूटने लगा है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।